ये अल्लाह ने जो हमें जुमा का दिन अता फरमाया है ये बहुत कीमती है। पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि पूरे शहर के एतबार से, आज भी हमने देखा एक दो जगह कर्नाटक में, पूरे शहर के एतबार से अब जो कि वो मुमकिन नहीं है। आबादियां काफ़ी बढ़ गई है, मकानत काफ़ी हो गए, तो वो मुमकिन भी नहीं है। जैसे अपने यहाँ शहर अहमदाबाद में भी एक जूनी जुम्मा मस्जिद है जो एलिस ब्रिज के पास है, और एक जामा मस्जिद है जो तीन दरवाजे से आगे जाकर, पूरे शहर के एतबार से लोग जुमा के दिन जमा होते हैं एक जगह पर, पूरे शहर में एक जगह जुमा हुआ करते। तो गोया ये पूरे हफ्ते के एतबार से पूरे शहर में लोग मिलते थे आपस में, एक इज्तिमा होता था और आपस में मुलाकात इख्तलात होता था और आपस में एक दूसरे की खैर खबर पूछी जाती थी, एक दूसरे से मिला जाता था। तो ये और पूरे साल के एतबार से ईदीन ईदगाह हमने देखी होगी, हमारे यहाँ पर भी है, अभी तो पूरे एक इलाके का नाम ईदगाह हो चुका है। इसी तरह साल में एक मरतबा पूरा शहर जमा होता था शहर के किनारे पर या शहर के आसपास में किधर भी, ये आप हर जगह पर देखोगे जहाँ पर बादशाहत रही है वहाँ पर आप ये बातें पाओ, ये बातें मिलेंगी। तो ये गोया एक मुसलमानों का इज्तिमा का दिन है। और यहाँ से फिर बातें मिलती थी और पूरे हफ्ते भर बातें अपने अपने घरों में, अपने अपने बस्तियों में ये बातें चलती थी। तो ये असल मकसद है जुमा। तो हम जुमा में आए तो अव्वल ये कि सिर्फ हमारी नीयत ये ना हो कि जुमा पढ़नी है, बल्कि हम जल्दी आने की कोशिश करें और जल्दी आकर हमारे जो काफ़ी मामूलात जुमा के दिन सूरह कहफ़ का, बहुत ज़्यादा फजीलत सूरह कहफ़ की आई है। यूँ आता है किताबों में कि अगर आदमी जो है वो सूरह कहफ़ जुमा के दिन पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको दज्जाल के फितने से उसके हिफाजत करे, यानी बहुत बड़ी बात है। दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना और उसके मुकाबले में अमल बहुत छोटा सा। अगर आदमी पाबंदी के साथ करने की नियत कर ले और पाबंदी से आदमी करना शुरू कर दे तो मैं यूँ समझता हूँ 20 मिनट में सूरह कहफ़ पढ़ी जा सकती है। कोई धीमे धीमे पढ़ता है शुरू में, उसको स्पीड नहीं है तो बहुत ज़्यादा तो आधा घंटा होगा। हफ्ते में एक मरतबा आधे घंटे का इस्तेमाल करना, सर्फ करना, उसके मुकाबले में इतनी बड़ी फजीलत और बहुत सारी फजीलत है। मैं तो एक फजीलत पर अभी हम बात कर रहे हैं कि दज्जाल का फितना क्या है। ये बड़ा जबरदस्त फितना है। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है और इससे पना चाहिए, और उस उम्मत में तो तयशुदा नहीं था कि होगा नहीं, अब तो तय है कि हमारे सामने तो ये मौका आना है, ये फितना हमारे सामने जाहिर होना है। और सिर्फ पूरी दुनिया में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर दज्जाल की एंट्री ना हो। उसके अलावा बल्कि यूँ आता है किताबों में कि मदीना मुनव्वरा के बाहर जो ओहद का पहाड़ है, शहर के किनारे पर जो ओहद का पहाड़ है वहाँ तक दज्जाल पहुँच जाए, उससे आगे फिर उसको अल्लाह पाक अपने शहरों की हिफाजत करे। आमीन। तो ये बहुत ज़बरदस्त और एक छोटा सा अमल जुमा के दिन सूरह कहफ़ का पढ़ना, उससे इतनी बड़ी निजात मिलती हो। चूँकि आज दीन की अहमियत हमारे दिलों में नहीं,
इसकी वजह से छोटे छोटे अमल करना हमारे लिए मुश्किल। इतना ही बड़ा फायदा अगर इतने कम वक्त में कोई हमें दुनिया का हासिल होता हो तो भला कौन आदमी ऐसा होगा जो छोड़ेगा। बल्कि इससे बड़े कलील नफे के लिए, बड़े छोटे नफे के लिए आदमी दिन के 8 घंटे लगाता है, कोई दिन के 12 घंटे लगाता है, कोई अपनी जिंदगी, अपना घर बार छोड़कर, अपने बीवी बच्चे छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर कई सालों तक आदमी, कोई सऊदीया रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूरोप रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, एक कलील नफा, छोटा सा नफा, और वो भी खत्म हो जाने वाला नफा। हर आदमी को मालूम है, उसके उस यकीन के साथ, उसको यकीन के यकीन उसको है, वो रोजाना देखता है, पता नहीं अपने हाथों से कितने लोगों को अपने कंधों पर कब्रिस्तान छोड़कर आया है। वो छोटे से नफे के लिए, वो कलील नफे के लिए, चूंकि आज हमारे दिलों में आखिरत हमारे दिलों से ओझल हो चुकी है और दीन दीन की अहमियत हमारे दिलों से निकल चुकी है, तो छोटे छोटे अमल, एक आदमी घर से निकलता है सुबह में, हमको ये देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि कुरान का दिल जो यासीन है वो मेरे हर उम्मती के दिल में हो। यानी ये मुसलमान के लिए जरूरी है कि उसको कम से कम यासीन तो हिफ्ज हो ही हो, हो ही हो। और रोजाना आदमी सुबह में यासीन पढ़ के घर से निकलेगा, हम पूछे हम देखे फजाइल, ढेर सारे फजाइल उसके पीछे लगे। यानी फजीलतों का अंबार है। ये कि अल्लाह पाक शाम तक के उसके कामों का कफील बन जाता है, अल्लाह पाक शाम तक उसकी हिफाजत करता है, हर आफत बला से अल्लाह पाक बचाता है, ऐसे ऐसे कई फजाइल उसके बारे में। लेकिन चूंकि आज हमारे दिलों में उसकी अहमियत नहीं, आखिरत के नफे, दीन के नफे, उसकी कदर कीमत हमारे दिलों में नहीं, उसकी वजह से आज जो है दीन के छोटे छोटे अमल जिस पर अल्लाह के बड़े वादे हैं, जिस पर अल्लाह के बड़े वादे, वो हम आसानी से छोड़ रहे हैं। और उसके मुकाबले में ये है कि बड़े बड़े काम और बड़ी मेहनत कुशा वाले मेहनत वाले कामों को हम अपने आप को तकलीफ में डालकर, मुजाहदे में डालकर भी एक छोटे नफे के पीछे हम दौड़ लगाए हुए, और जिसका नफा भी गारंटेड नहीं, मुकद्दर में होगा वो कोई छुड़ा नहीं सकता, और मुकद्दर में नहीं होगा उसको कोई, हाँ दोस्तों, तो इसी तरह आज जो है जो दज्जाल की जाल जो है पूरी दुनिया में आज बिछी हुई, पूरी दुनिया में आज बिछी हुई। आप देखो एक पड़ोस के मुल्क के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अबू लुबाब आकर, उन्होंने पूरी किताब लिखी है दज्जाल कब कहाँ कौन, वो आप किताब पढ़े। मैं एक मरतबा वहाँ उमरा में गया था तो वहाँ से एक किताब लाया था, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी अभी अभी शाये हुई है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ उसका नाम था। बड़ी जबरदस्त किताब, उसमें दज्जाल के आने की निशानियां बताई है। तो आप देखो तो अब तो ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ दज्जाल का जहूर बाकी रह गया, बाकी तो सब हो चुका है। दज्जाल का जहूर बाकी रह गया, बाकी तो सब हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आज हमारे घरों तक ये सारी वबा फैल चुकी है। आज हम हमारी, हाँ, हमारे घर की परवरिश को हम देखें, हमारे घर की शादियों को हम देखें, हमारे घर के कल्चर को हम देखें दोस्तों, यानी हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मैंने सुना कुछ वक्त पहले, यानी आई वॉज शॉक्ड, मैं
परेशान हो चुका, मैं बिल्कुल यानी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं सच बता रहा हूं। यूं सुना कि जब दज्जाल का जहूर होगा तो आलम क्या होगा, तो उससे एक बात जो है वो मेरे को बहुत ज्यादा दिल पर लगी, वो ये थी कि जो दीनदार मर्द होंगे वो अपनी औरतों को दज्जाल से बचाने के लिए अपने घरों में जंजीरों से बांध कर रखेंगे। कैसा रखेंगे? जंजीरों से बांध कर रखेंगे, और वो औरतें जंजीरें तोड़कर दज्जाल के गिरोह में शामिल हो जाएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हर औरत की हिफाजत फरमाए, हर मर्द की अल्लाह पाक हिफाजत करे। और आप सोच, आप देखें दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा आज फितने जाहिर होते हैं वो औरतों के जरिए से होते हैं। ये हमारे घर में हमारी शादियां बिगड़ी, हमारे घर का माहौल बिगड़ा, उसकी वजह आप डीप में देखेंगे तो हमारी औरतों की जो बातें हम कर जो निभाते हैं रिवाजात निभाने में और दुनिया को दिखाने वाली बातों में, तो उसकी वजह से ही आज हाँ बिगड़ रहा है। यानी वो राह चल चुके हैं और दुनिया में वो माहौल क्रिएट हो रहा है। आप देखिए इंटरनेट के जरिए से, और अब तो सब बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान हो गया, गुनाह का काम बहुत आसान, नेकी बड़ी मुश्किल। ये सारी कुर्बे कयामत की अलामत है, निशानियां हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज ये माहौल हो गया उस जीत पर, है ना, घर वालों की जीत पर, समाज को दिखाने की जीत पर, कि आदमी वलीमा कर रहा है, वो कार्ड पर लिख रहा है अन निकाह मिन सुन्नती, कि मैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा कर रहा हूं, और सूद से पैसे लाकर वो वलीमा कर रहा है। बल्कि बेहतरीन निकाह प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसमें गरीबों की शिरकत ज्यादा हो, जिसका मफहूम है, आज हर आदमी को दौड़ लगी हुई है, उससे बढ़ चढ़ कर मैं करूं, उससे बढ़ चढ़ कर मैं करूं, उसकी चार आइटम थी मैं आठ रखूं, मैं छह रखूंगा, मैं पांच रखूंगा, उसने इन बड़ों को बुलाया था मैं इन बड़ों को बुलाऊंगा। दोस्तों ये वो वजह है जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगियां परेशान हैं, जिसकी वजह से आज, और परेशानी की लिमिट, जैसे मैंने कहा था, मैं पिछली मरतबा अपना एक टॉपिक गुजरा है डिप्रेशन का, ये क्या है दोस्तों, वजह उसकी यही बनती है, आदमी इसमें घुसता चला जाता है। और फिर हम नियत करें, इरादा करें, देखो दीन बहुत आसान है, जो जितनी ज्यादा कीमती होती है चीज, वो अल्लाह पाक ने, ये अल्लाह की सुन्नत और आदत है कि अल्लाह पाक ने वो चीज इतनी ज्यादा आसान रखी। हवा बहुत कीमती तो बहुत आसान, अल्लाह ने फैला दी पूरी दुनिया में, आदमी सांस लेता है और आसानी से वो हवा अपनी बॉडी में लेता है और बाहर निकाल लेता है। सांस क्या है? एक हवा है। इसी तरह हर 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 जो जरूरत की जो चीज है वो अल्लाह ने बहुत आसान कर दी। इसी तरह दीन और ईमान, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, तो वो अल्लाह ने बहुत आसान किया है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमने नियत ही नहीं की, हमने इरादा ही नहीं किया, हमने कभी उसको सीखने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, तो आज हमें मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ दोस्तों, जैसे लास्ट टाइम हमारी बात इस पर खत्म हुई थी कि हम कहीं से तो शुरुआत करें, हम क्यों इसका सबब बने। जैसे वो मैंने कहा था 51% यानी 51% अगर खबासत गालिब हो जाएगी और 49% अगर नेकी हो जाएगी,
हाँ, तो इंतजार करें हम अल्लाह के अजाबात, जो कि आज हम देख रहे हैं, ये तो अल्लाह का खुसूसी इनाम और फजल और करम है। इसी तरह दोस्तों, अगर 51% अगर नेकी गालिब आ गई और 49% अगर खवासत हो गई, हाँ, तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें उतरना, अल्लाह की गहरी मदद आना हम देख लेंगे हमारे यहाँ। तो उसकी शुरुआत के लिए हमने ये नियत की थी कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज हम पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब आगे ये तो बिल्कुल यानी हो ही नहीं सकता, एक मुसलमान और नमाज ना पढ़े, ये कैसे पॉसिबल है? यानी ये तो कोया ऐसा है कि एक आदमी जिंदा रहता है और बगैर खाए जिंदा रहता है। कोई आदमी आए बोले और हमको कहे कि ये बगैर खाए जी रहा है, तो हमको कैसा महसूस हो? बोले यार कैसी पागल हो जैसी बात। इसी तरह दोस्तों है कि एक आदमी मुसलमान है और वो नमाज नहीं पढ़ रहा, कैसे पॉसिबल? और देखो एक बात कुरान फरमाता है, इसका मफहूम है कि जो कौम अपने आप को बदलने का इरादा नहीं करती, अल्लाह पाक उसको नहीं बदलता। जो कौम अपने आप को बदलने का इरादा नहीं करती, अल्लाह पाक उसको नहीं बदलता। क्या मतलब इसका? कि हम अपने आप को बदलने का इरादा करें, नियत करें, हाँ अल्लाह पाक जरूर बदलेगा, अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों को जरूर बदलेगा। ये हो नहीं सकता कि हम इरादा करें, नियत करें और अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों को ना बदले। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, उनका एक कॉल है, सेइंग है उनकी, वो कौम और वो माशरा बर्बाद हो जाता है जो माशरा अच्छे और बुरे की तमीज को खो देता है। आज अच्छे और बुरे के बीच के तफरके को हमने खो चुके हैं। नमाज का छोड़ना इसको बुराई नहीं समझा जाता, माशरे में ये इस तरीके से खुराफात जो फैल रहे हैं, जो शादियां हो रही है और जो और खुराफात, अरे ताज्जुब की बात है, कुछ सालों के पहले हम देखते थे कि एक आदमी ने रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा है तो वो छुप कर कहां पर, यानी किस कोई आदमी ना देखे इस तरीके से वो खाता था, इस तरीके से वो पानी पिया करता था, और आज हम सबके सामने नजारा मौजूद है। क्या हो रहा है? बिंदास, यानी सारी शर्म, इस्लामी हुकूमत है तो उसको कत्ल करने का हुक्म दिया, अच्छे और बुरे की तमीज, ये है वजह हमारी बर्बादी। हाँ दोस्तों, तो हम नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम जो है अपने आप को बदलेंगे, इंशाअल्लाह हम अपने आप को बदलने की नियत करेंगे, हम अपने आप को इंशाअल्लाह, तो अल्लाह पाक हम हमारी जिंदगियों को बदलेगा, हमारी कौम को बदलेगा, हमारी सोसाइटी को बदलेगा, हमारे माशरे को बदलेगा इंशाअल्लाह। और यही वो बात थी जिसकी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हाँ कि बेशक हुई, नबुवत हुई, नबुवत मिली दोस्तों, तो कौम की जिंदगियों को बदला। तो जब कौम की जिंदगियों को बदला तो वो माशरा 1000 साल तक, यूं आता है किताबों में कि 800 या हजार साल तक, हाँ बस ये बात कहकर अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ, एक समझने वाली बात, एक 800 या 1000 साल तक वो माशरे ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया पर रही, ऐसा तारीख में नहीं है, इसके अलावा और कौमों की भी दुनिया पर हुकूमत रही। लेकिन दोस्तों समझने की बात यह है, जैसे वो मंगोलियन चंगेज खान, पूरी दुनिया को उसने कॉन्कर किया, पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत, लेकिन उसकी आप वो देखो, पूरी दुनिया को फतेह करने के बाद भी चूंकि सिविलाइजेशन नहीं बदला, माशरा नहीं बदला, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी ताकत के जोर पर उसने दुनिया तो फतेह कर ली, लेकिन 100 साल मुश्किल से उसकी हुकूमत चली, फिर खत्म हो गई।
इसी तरह और वाकयात भी मिलेंगे आपको तारीख में, और वाकयात भी मिलेंगे। लेकिन मुसलमानों की हुकूमत क्यों एक 800 से हजार साल तक चली, वजह उसकी क्या बनी? क्योंकि जिंदगियां बदली थी। हाँ, वो ताकत के जोर पर दुनिया को पता किया था, और ये जिंदगियों की तब्दीली की बुनियाद पर दुनिया को फतह किया। ये वो वजह थी दोस्तों, जो इतना बड़ा इतना बड़ा माशरा और इतने सालों तक हमारी हुकूमत दुनिया में नाफिस रही, और फिर बिगाड़ आता गया। तो आज हमारा हाल खुद हम देख रहे, जबकि अल्लाह ने हमको दुनिया का खलीफा बनाकर भेजा है, और आज गुलामों से बदतर हमारा हाल। और वो लोग जिनको पेशाब पाखाने का तरीका नहीं मालूम, जिंदगी जीना बहुत दूर की बात है, पेशाब पाखाने का तरीका नहीं मालूम, आज हमारे सर पर बैठकर नाच रहे और हमको जैसे चाहे ऐसे नचा रहे, हमको जैसे चाहे ऐसे नचा रहे, और हम उनकी गुलामी में बरपा है। हाँ दोस्तों, वजह उसकी ये है कि हमने हमारी असल को छोड़ा, हमने हमारे दीन को छोड़ा, हमने हमारे माशरे को छोड़ा, हमने हमारे कल्चर को छोड़ा। हाँ दोस्तों, उसकी वजह ये है। तो हम नियत करें, इंशाअल्लाह इरादा करें, तो अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों को बदलेगा, और वो खोए दिन अल्लाह पाक जरूर हमें वापस देगा इंशाअल्लाह। भाई हम सब चाहते हैं ना वो दिन आए, भाई बोलो ना यार। तो उसके लिए अब ये है कि हम नियत करके जाए इंशाअल्लाह कि आज हम हमारी जिंदगियों को बदलेंगे। जरूरी नहीं है उसके लिए कि पेंट शर्ट पहनने वाला कल से जब्बा सरवाल पहनना शुरू कर दे, ये जरूरी नहीं है। मैं भी पेंट शर्ट पहन लेता हूँ कभी कभी, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। हाँ, जरूरी ये है कि आदमी अपने दिल को सही कर ले, आदमी अपने दिल को सही कर ले, और वो बेसिक अमाल जो है, अच्छी बात है, आदमी को नियत कर रखनी चाहिए, आगे की सीढ़ी, आगे के पगत ये कि आगे के स्टेप की नियत रखनी चाहिए आदमी को, कि जो आदमी है ना सुन्नतों के करीब होने की नियत रखनी चाहिए, है ना, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो नियत करे इंशाअल्लाह कि हम वो रखेंगे इंशाअल्लाह, जो जब पेंट शर्ट पहनता है वो नियत करे, कोशिश करे कि वो जब्बे सरवाल में आए, टोपी लगाए, है ना, वो नियत रखे। लेकिन दोस्तों ये है कि आदमी जिस जगह पर है उससे वो अपर लेवल पर आने की कोशिश करे, चार टाइम की नमाज पढ़ रहा है तो सुबह की नमाज की पाबंदी की कोशिश करे, सिर्फ जुमा में रमजान में कुरान पढ़ता है तो पूरे साल भर कुरान पढ़ने की कोशिश करे, हमारे सच को, हम झूठ बोल रहे हैं तो झूठ को छोड़कर हम सच की तरफ आने की कोशिश करें, हाँ सच की तरफ हम आने की कोशिश करें, हम अपनी जिंदगी का मयार तय करें और उस मयार से आगे बढ़ने की हम कोशिश करें, तो धीमे धीमे हम अपने आप से शुरुआत करें, तो धीमे 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 इंशाअल्लाह ये होगा, हम चाहे मंजिल तक न पहुंचे लेकिन चूंकि हमारी नियत ये है तो कल को कयामत के दिन अल्लाह पाक उस मजमे में हमको उठाएगा इंशाअल्लाह, ये तयशुदा बात। और जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, हम सच की तरफ आए, सच बोलना कितना कीमती है। देखो, एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक कबीला मुसलमान हुआ, और उस कबीले का एक बंदा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से 80 साल का बूढ़ा, वो अल्लाह के नबी के पास आ रहा है और अल्लाह के नबी को कह रहा है, या रसूल अल्लाह, बोले मेरा कबीला पूरा मुसलमान हो गया, मैं 80 साल का बूढ़ा, बहुत सारी पुरानी आदतें मेरे साथ लगी हुई है और मैं उसको बहुत कोशिश कर रहा हूँ, छूट नहीं रहा, तो कुछ ऐसा बताइए या नबी अल्लाह, कुछ ऐसा आप बताए कि जिसको मैं पकड़ के चलूँ। यूँ फरमाया आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो ये ज़िंदगी की, हाँ इसको पकड़ने की बात है, यूँ फरमाया कि ठीक है कोशिश करता रहे लेकिन सच को थाम ले, सच बोलने को
थाम ले, सच को थाम ले, झूठ को ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो आज हम ये नियत करें, इंशाअल्लाह कोशिश करें कि जैसे पिछली जुमा को हमने नियत की थी 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगी, आज उसमें थोड़ा सा हम प्लस करें कि इंशाअल्लाह हम सच बोलने वाले बने, हम हमारी जिंदगी सच्ची जिएंगे, झूठी जिंदगी नहीं जिएंगे, यहाँ कुछ वहाँ कुछ। आज आम तौर से जुमला है, जैसा देश वैसा भेष। नहीं यार, कोई भी देश एक ही भेष, तब जाकर हम कामयाब हो गए इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, सब नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह।